हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे। और इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नए नए तरीके से आप लोग के साथ अरबी की सब्ज़ी बना के शेयर की है, तो उसी तरह से आज हम यहाँ पे दम अरबी बनाएंगे और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं दम अरबी। तो यहाँ पे जो हम दम अरबी बना रहे हैं उसके लिए, ये सबसे पहले तो घुइयाँ, हमने जो अरबी भी बोलते हैं इसको, ये अभी कच्ची है और इसको हमने छील के रखा था। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इस तरह से अरबी लेके, और आप कोई भी फॉग या छुरी की मदद से इसमें इस तरह से कस कस के, हम ये देखिए इस तरह से इसमें अंदर तक पूरा प्रेस करेंगे इसको, ताकि इसमें होल हो जाएंगे बीच बीच में हमें करने हैं। तो क्योंकि अभी हम इनको फ्राई करेंगे, तो ये जब इस तरह से हम इसमें कर देंगे तो ये अंदर तक पूरी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो इसी तरह से सारी अरबी में हमें करके रखना है। और ऑयल हम गरम करेंगे और इस तरह से अरबी इसमें डाल देंगे, सारी अरबी को डाल के। पहले बस अच्छे से हमें फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाता अरबी का। और इस तरह से देखिए इसे हम मीडियम गैस पे फ्राई करेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम गैस पे, बिल्कुल बढ़िया सा कलर चेंज होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए घुइयाँ बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे सारी घुइयाँ को। तो सेम कढ़ाई में ऑलरेडी तेल भी गर्म है, तो इसमें पहले एक चम्मच छोटा जीरा और आधा चम्मच हमने अजवाइन ली हुई है डालेंगे। और उसके बाद में ये प्याज और हरी मिर्च एक साथ ही हमने चॉप कर ली थी, तो इसको हमें पहले फ्राई करना है, भूनना है प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने तक, इसको हम फ्राई करेंगे। और ये प्याज भुन गई है इधर, तो इसमें हम पहले तो हींग ऐड करेंगे और उसके बाद में थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। और सबसे पहले ये एक टमाटर, बड़ा टमाटर हमने लिया था, इसको बिल्कुल महीन से एकदम चॉप कर लिया था। आप चाहो तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हो टमाटर की। और इस तरह से करके, और इसको 2 मिनट के लिए पहले पकाएंगे हम टमाटर को। और ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप टेबल स्पून का हैं तो सिर्फ 3 टेबल स्पून दही इसमें डालेंगे। और इसको कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे हम, और इसी तरह से कंटिन्यू स्टिर करेंगे कम से कम 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये दही भी इसमें अच्छे से पक जाएगा फिर। और बस अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं हम। तो पहले तो इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी इसमें कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च बहुत हिसाब से रखनी है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ऐड की हुई है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल मिर्च इसमें रखेंगे। और साथ ही साथ नमक भी डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखना है हमें। और बस इन्हीं मसालों के साथ अच्छे से मसालों को पहले मिक्स कर लेते हैं एक बार। और ये जो घुइयाँ हमने फ्राई करके रखी हुई थी ये डाल देंगे, एक बार इस तरह से मिक्स कर देते हैं। और क्योंकि घुइयाँ फ्राई है लेकिन हल्का सा इसमें ग्रेवी भी रखनी है, तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। ग्रेवी तो आप अपने हिसाब से, आपको कम ज़्यादा जैसी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और इस तरह से ये हमने पानी डाल दिया, और बिल्कुल धीमी गैस पे घुइयाँ को बीच बीच में हर 5-6 मिनट पे स्टिर करेंगे, और तब तक हमें पकाना है जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाएगी। तो कवर कर देते हैं सर। और ये देखिए घुइयाँ बिल्कुल अच्छे से पक गई है, और कम से कम 25 मिनट के करीब, 25 से 30 मिनट के करीब लगा है, और बीच बीच में स्टिर करते हुए हमने इसको पका लिया है। सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे इस तरह से क्रश करके। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम दम अरबी बन के रेडी हो गई है, इसे सर्व कर लेते हैं।
देखिए बिल्कुल बढ़िया, एकदम गर्मा गर्म दम अरबी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा, इसमें जब इस तरह से बनाते हैं थोड़ा चेंज करके, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसको खाने में। आप किसी भी चीज़ के साथ खाओ, सभी की चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।